हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूरॉन के बारे में। हमारा टॉपिक रहेगा न्यूरॉन, कि न्यूरॉन होता क्या है, नर्व फाइबर क्या होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन की अरेंजमेंट क्या होती है, न्यूरॉन डेंड्राइट में डिफरेंस देखेंगे, टाइप ऑफ नर्व फाइबर कि मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर के अंदर हम मेनली डिफरेंस देखने वाले हैं, और ये होते क्या हैं, हमने दो तरीके के नर्व फाइबर को डिवाइड कैसे कर दिया। चलिए डिस्कस करते हैं न्यूरॉन से। अगर हम बात करें कि न्यूरॉन होता क्या है, डेफिनेशन क्या है न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन एक्चुअल में एक नर्व सेल है विद ऑल इट्स प्रोसेसेस, यही इसकी डेफिनेशन, या फिर प्रोसेस बोल दूं या फिर मैं ब्रांच बोल दूं। कौन कौन सी होती है? डेंड्राइट और एक्सोन, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या है एक्चुअल में? न्यूरॉन एक नर्व सेल है विद ऑल इट्स ब्रांचेस या फिर प्रोसेसेस, वो कौन सी है? डेंड्राइट और एक्सोन है। न्यूरॉन कौन सी सेल से बनता है? एक सेल होती है न्यूरो ब्लास्ट, जो कि फॉर्मेशन किसकी करती है? न्यूरॉन की फॉर्मेशन कौन सी सेल करेगी? न्यूरोब्लास्ट सेल है जो कि न्यूरॉन की फॉर्मेशन करती है। अगर हम बात करें इस न्यूरॉन की, तो ये नर्वस सिस्टम का क्या है? नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे किडनी की क्या है? न्यूरॉन है, वैसे ही नर्वस सिस्टम की क्या है? किडनी की नहीं, एक्सक्रीटरी सिस्टम की नेफ्रॉन है, वैसे ही नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन है। मेनली इसी से, यही इसका बेसिक कंपोनेंट है, इसी के थ्रू सारे नर्व इंपल्स का कंडक्शन होगा। ये बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल है, इसका साइज और शेप काफी वेरिएबल है। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो इसके स्ट्रक्चर में मेनली दो पार्ट्स होंगे, एक तो होगा साइटोन और दूसरा होगा नर्व प्रोसेस। नर्व प्रोसेस के अंदर हम पढ़ेंगे डेंड्राइट और हम पढ़ेंगे एक्सोन। तो एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये थोड़ा सा खराब बन गया। तो ये क्या है? एक न्यूरॉन, ये एक्सोन है, ये एक्सोन टर्मिनल है, ये मैंने रफली स्केच किया है, ये साइटोन, जो ये वाला पार्ट है ये क्या है? साइटोन है। तो एक एक करके धीरे धीरे इस पूरे स्ट्रक्चर को हम फिल करेंगे। साइटोन की अगर हम बात करें, तो साइटोन को और हम क्या बोलते हैं? पेरी कैरियोन, पेरी कैरियोन, सोमा या फिर सेल बॉडी, ये नाम है साइटोन के। इसकी जो शेप है वो काफी वेरिएबल है, वो कैसी हो सकती है? राउंडेड भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है और पिरामिडल भी हो सकती है। इस साइटोन की शेप के बारे में अगर हम बात करें, तो इसका साइज 4 माइक्रोमीटर टू 135 माइक्रोमीटर तक वेरी करता है डायमीटर के केस में। इसकी जनरल साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर जो ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूरो प्लाज्म बोलेंगे। इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं कि इसके सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस है। ध्यान से देखिए, सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है और उसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। इसके अंदर इस तरीके से
बहुत पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इन्हें न्यूरो फाइब्रिल्स। जो ये न्यूरो फाइब्रिल्स है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। फिर इसके अलावा बेसोफिलिक ग्रेन्यूल मिलते हैं, बहुत सारे नंबर में बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स हैं वेरिएबल शेप्स के हैं, तो जो ये बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स हैं वेरिएबल शेप के, इन्हें हम बोलते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल। क्या बोलते हैं? नीजल्स ग्रेन्यूल बोलेंगे। और दूसरा नाम ट्राइगोइड ग्रेन्यूल्स, नीजल्स ग्रेन्यूल को ही ट्राइगोइड ग्रेन्यूल्स बोलेंगे। ये किससे बने? ये बने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये साइट है किसकी? प्रोटीन सिंथेसिस की। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर चलेगा प्रोटीन सिंथेसिस चलता है इस नीजल ग्रेन्यूल के अंदर, और स्पेशली यहाँ पर एंजाइम सिंथेसिस होती है किसके लिए? न्यूरो ट्रांसमीटर की फॉर्मेशन के लिए। अगर इस न्यूरॉन को कोई इंजरी हुई है या फिर ये थक गया है, इसे फटीग हुई है, तो उस टाइम पे ये जो नीजल ग्रेन्यूल है ये डिसअपियर हो जाएंगे, और जैसे ही रिकवरी की ये फिर से रीअपियर हो गए। केमिकली अगर इन्हें हम देखें तो ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्या है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है, और इनके अंदर आयरन प्रेजेंट है। तो ये हुई नीजल ग्रेन्यूल की बात। इसके अलावा इसका जो न्यूरोप्लाज्म है, ये न्यूरोप्लाज्म है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेंगे ताकि नर्व इम्पल्स कंडक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवा सके। एक मैच्योर न्यूरॉन के अंदर कभी भी सेंट्रियोल नहीं मिलता। सेंट्रियोल नहीं मिलता मतलब स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होती। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होती मतलब क्या नहीं होती? इसमें सेल साइकिल नहीं चलती, मतलब इसका क्या नहीं होता? डिवीजन नहीं होता, माइटोसिस मियोसिस यहाँ पर नहीं होती। ठीक, इसके अलावा इस न्यूरोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ प्रेजेंट होते हैं मेलेनोफोर्स। जो मेलेनोफोर्स है उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? मिलेनिन पिगमेंट है। इसके अलावा लिपोक्रोम्स प्रेजेंट है, जो कि येलो या फिर ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स हैं। तो ये तो सारी बात हुई साइटोन के बारे में। साइटोन के बारे में ही हमने क्या क्या बात की कि साइटोन होता क्या है, उसकी उसे हम क्या क्या बोलते हैं, उसकी शेप क्या होती है, उसका साइज क्या होता है, उसके न्यूरोप्लाज्म में कौन कौन सी चीजें होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, मेलेनोफोर, लिपोक्रोम, सेंट्रियोल नहीं होता, डिवाइड नहीं करेगा, न्यूरो फाइब्रिल्स प्रेजेंट है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, नीजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, नीजल ग्रेन्यूल्स के बारे में ये सारी बात की। तो जो ये मैंने बात की है ये आप डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ये सारी थियोरी है इसे सही प्रॉपर वे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। फिर जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सोन, जो ये एंडिंग है एक्सोन साइटोन की, यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक्सोन हिलोक, और इस एक्सोन हिलोक से ये पूरे एक्सोन का ओरिजन होगा। ये जो एक्सोन है, अगर मैं यहाँ पर ये एक्सोन बनाऊं तो ये क्या है? इसकी एक्सोनल एक्सिस है। ठीक, नर्व प्रोसेस में आता है ये एक्सोन। नर्व प्रोसेस में साइटोन की बात की थी, नर्व प्रोसेस में दो चीजें पढ़ेंगे क्या? डेंड्राइड और एक्सोन। तो डेंड्राइड की अगर हम बात करें तो डेंड्राइड क्या है? एक या एक से ज्यादा नंबर में मिलते हैं, स्मॉल साइज की टैपरिंग प्रोसेस है, और हाईली ब्रांच्ड है। ये एफरेंट नेचर के हैं। एफरेंट नेचर मतलब जो नर्व इम्पल्स है उसे ये अपनी ओर लेके आएंगे, नर्व इम्पल्स इसकी ओर आएगा, ये कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्स को टुवार्ड द साइटोन। इनके अंदर नीजल ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, न्यूरोफाइब्रिल्स मिलेंगे, लेकिन ये कभी भी मेडुलेटेड नहीं मिलते। जो डेंड्राइट है वो कभी भी मेडुलेटेड नहीं मिलेंगे, वो हमेशा कैसे मिलेंगे? नॉन मेडुलेटेड मिलेंगे। फिर एक्सोन की अगर हम बात करें तो एक्सोन कैसा है? एक सिंगल है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस है, जिसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? ये करता है कंडक्ट नर्व इम्पल्स। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द साइटोन, साइटोन से दूर लेके जाएगा। इसका मतलब इसका नेचर कैसा है? ये है इफरेंट इन नेचर।
तो इतनी बात समझ में आई कि एक्सोन कैसा है, सिंगल है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है और कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्स को। तो ये कैसा हुआ, इफरेंट इन नेचर। इसका नेचर इफरेंट है क्योंकि नर्व इम्पल्स को क्या कर रहा है, साइटोन से दूर लेके जा रहा है। फिर एक्सोन के बारे में और बात करें तो एक्सोन क्या है, लॉन्गेस्ट नर्व प्रोसेस है किसकी, न्यूरॉन की। एक्सोन क्या है, न्यूरॉन की सबसे लंबी नर्व प्रोसेस है। जो इसकी लेंथ होती है वो सेल टू सेल वेरी करती है काफ़ी टाइम। ये क्या है कि 1 मीटर तक इसकी लेंथ चली जाएगी। कहाँ पर, जो एफरेंट न्यूरॉन है लेग ऑफ मैन, मैन के लेग के अंदर इसकी जो पूरी लेंथ है वो 1 मीटर तक चली जाएगी। जो डायमीटर है एक्सोन का वो वेरी करता है 0.1 से 10 माइक्रोमीटर। न्यूरॉन का, इसका एक्सोन का डायमीटर है किसके अंदर, ह्यूमन बींग के अंदर। और ये 25, दूसरे वर्टिब्रेट के अंदर ये 25 माइक्रोमीटर का भी डायमीटर मिल सकता है। कुछ इनवर्टिब्रेट है जैसे कि एनेलिडा है, क्रस्टेशिया है, मोलस्का है। तो मोलस्का का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, मोलस्का के अंदर एक एग्जाम्पल आता है जाइंट स्क्विड का, लोलीगो। इनके अंदर जो एनेलिडा है, क्रस्टेशिया है, मोलस्का है, इनके अंदर ना बहुत बड़े बड़े साइज के न्यूरॉन मिलते हैं, एक्सोन मिलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जाइंट एक्सोन बोलते हैं। ठीक, ये जो जाइंट स्क्विड है इसका एक्सोन का डायमीटर की अगर मैं बात करूँ तो 1500 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। और जो एक्सोन है इसके पास सिर्फ, एक्सोन के पास सिर्फ क्या मिलेंगे, इसके एक्सोप्लाज्म के अंदर न्यूरो फाइब्रिल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कोई भी यहाँ पर नीजल ग्रेन्यूल नहीं मिलता। ये चीज़ याद रखना कि एक्सोन के अंदर नीजल ग्रेन्यूल नहीं मिलेगा, डेंड्राइट के अंदर और सेल बॉडी के अंदर नीजल ग्रेन्यूल मिलता है। फिर यहाँ से ये नंबर ऑफ ब्रांचेस को निकालता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल अर्बोराइजेशन बोलते हैं इसे। ये इस तरीके से ब्रांच प्रोसेस है इसकी एंडिंग, टर्मिनल अर्बोराइजेशन। और जो इसकी एंडिंग है इसे हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नो बोलते हैं, अगर ये ओवल और राउंडेड शेप की है तो। ठीक, इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे, अगर ये माइलिनेटेड है तो माइलिन सीथ प्रेजेंट होगी। ये इस तरीके से माइलिन सीथ प्रेजेंट है, दोनों साइड में प्रेजेंट है। यहाँ पर ये जो गैप है ना, इसे हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवीर। इस नोड ऑफ रेनवीर से परपेंडिकुलर ब्रांचेस अराइज होती हैं, और उन परपेंडिकुलर ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, उन परपेंडिकुलर ब्रांचेस को, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, उनको हम बोलते हैं कोलेटरल्स। ये कोलेटरल्स कहाँ से अराइज हुई हैं, नोड ऑफ रेनवीर से बिल्कुल परपेंडिकुलर अराइज हुई हैं। और इनकी जो कोलेटरल्स की जो वो है एंड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, टीलो डेंड्रिया बोलेंगे। ये जो न्यूरो एक्सिस है ना, ये वाली न्यूरो एक्सिस इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ये कोलेटरल नोड ऑफ रेनवीर से अराइज होगी। जैसे एक नोड ऑफ रेनवीर, दूसरा नोड ऑफ रेनवीर, उसके बीच का जो स्पेस है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटर नोड। ठीक है, तो जो ये वाली जो एंडिंग है, ये राउंड, इसकी शेप राउंड भी हो सकती है, फ्लैट भी हो सकती है। ठीक, फ्लैट कब होगी, रिबन लाइक कब होगी, मोटर एंड प्लेट के पास, मतलब जब ये किसके पास जाएगा, स्ट्रेटेड मसल फाइबर के पास जाएगा। तो इसकी एंड कैसा होगा, फ्लैट होगा, रिबन लाइक, और सार्कोलीमा के पास प्रेजेंट होगा, सार्कोलीमा ऑफ स्ट्रेटेड मसल फाइबर के पास। और इसे हम क्या बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट बोलेंगे। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, देखो इसके अंदर ये न्यूरोएक्सिस है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, एक्सोप्लाज्म भरा हुआ है। एक्सोप्लाज्म के बाहर ये क्या है, इसकी
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक पर्टिकुलर नाम होता है, एक्सोलीमा। ठीक, एक्सोलीमा इसका नाम है। इतनी चीज समझ आई। फिर ये हम पढ़ेंगे माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड। अभी आगे पढ़ेंगे ये अरेंजमेंट की। अगर हम बात करें अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन की, न्यूरॉन्स की अरेंजमेंट कैसी होती है, तो न्यूरॉन ऐसे एंड टू एंड की भाई इस तरीके से चेन की फॉर्म में भी लाई कर सकते हैं, और ये इस तरीके से ऐसे सेल मास की फॉर्म में भी लाई कर सकते हैं। इस तरीके से सेल मास भी बना सकते हैं। ये सेल मास अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में है, मतलब सीएनएस, सीएनएस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में है, तो उसको हम बोलते हैं सेल मास को न्यूक्लियस। अगर ये जो सेल मास है ये आउटसाइड द सीएनएस प्रेजेंट है, यानी कि पीएनएस के अंदर, क्रेनियल नर्व्स के अंदर और स्पाइनल नर्व्स के अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे गैंग्लियोन। और इस गैंग्लियोन में करीब करीब 50,000 न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। हर एक जो न्यूरॉन है वो रिसीव करता है नर्व इम्पल्स को थ्रू डेंड्राइट के। भाई जो न्यूरॉन है वो इस डेंड्राइट के थ्रू नर्व इम्पल्स को रिसीव करेगा, ठीक, पास ऑन करेगा नेक्स्ट न्यूरॉन को, किसके थ्रू, इस एक्सॉन के थ्रू। तो हर एक जो न्यूरॉन है उसकी एक अपनी पोलैरिटी होती है। फिर ये बाकी बाद में करेंगे, टाइप ऑफ नर्व फाइबर हम बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।